तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू टाटा कर्व और आज हम टाटा कर्व का फुल डिटेल रिव्यू आपके सामने लेके आया है। सारी डिटेल आपको देंगे, कब इस गाड़ी को लॉन्च किया जा रहा है, क्या इसकी प्राइसिंग रहेगी और कितने इंजन ऑप्शन आपको इसमें ऑफर किए जाएंगे। सबसे पहले जो डिज़ाइन है आज शो किया गया है इंडियन मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 के अंदर और ये इसका प्री प्रोडक्शन मॉडल है, यानी कि प्रोडक्शन से पहले जो फाइनल डिज़ाइन है ना यहाँ पर दिखा दिया गया है और क्या कुछ इसमें खास है आप देख भी सकते हैं। अब काफ़ी लोग इसको BJP एडिशन मान रहे थे, भाई कह भी सकते हैं कमल के फूल है, कलर भी कुछ मिलता जुलता है और करली हमारे PM साहब भी यहाँ पर आके गए हुए हैं। गाड़ी का आप डिज़ाइन देखिए तो यहाँ पर आप मानेंगे कितना ज़्यादा शानदार लुक आपको टाटा के लोगों के साथ मिल रहा है। कुछ देखेंगे आप DRL फंक्शन जो कि इस प्रकार दिखेगा और देखिए भाई ये है गाड़ी का फ्रंट का लुक। अब ये ना मैं कहूँ सेम टू सेम जो नेक्सॉन का प्लेटफॉर्म है उस पर तो नहीं, लेकिन उसी को अपडेट करके जो प्लेटफॉर्म बना है X1 प्लेटफॉर्म उसी पर बनाई गई है। गाड़ी दिखने में आपको नेक्सॉन लगेगी, आपको फील भी होगा कि नेक्सॉन है, लेकिन ये नेक्सॉन से काफ़ी बड़ी गाड़ी है। कॉम्पिटिशन के तौर पर ये क्रेटा, सेल्टॉस, ग्रैंड विटारा इनके साथ कॉम्पीट करने वाली है। साथ ही साथ आप देखिए फ्रंट में जो काम के सारे फंक्शन होते हैं ना, फ्रंट में देखिए पार्किंग सेंसर आपको देखने को मिलेगा, अडास इंडिया में चाहिए आ गया है इस गाड़ी के साथ, जो कि आपको लेन वॉच कैमरे की मदद से दिख भी पा रहा होगा कहां पर है। तो ये देखिए इसमें लेन वॉच कैमरा दिखेगा, आप समझते हैं गाड़ी बारीकी से देख क्या रही है। अब देखिए नेक्सॉन का प्लेटफॉर्म है जो कि X1 प्लेटफॉर्म ऑलरेडी ग्लोबल NCAP में 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग ला गया है और सेफ्टी के अलावा जो सारे इंजन ऑप्शन आपने अभी तक नेक्सॉन के अंदर देखे हैं, यानी कि बात करेंगे 1.5 CRDI डीजल इंजन की, 1500 CC का 4 सिलेंडर डीजल इंजन जो कि इस गाड़ी में आज शोकेस किया गया है, 113 हॉर्स पावर, 113 हॉर्स पावर, 260 Nm का टॉर्क जो कि आपको 6 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड के ऑटोमेटिक के साथ ऑफर किया जाता है। गाड़ी का लुक आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा शानदार लग रहा है और यहाँ पर आप देखिए कुछ ये DRL एलिमेंट्स है। बाकी टाटा जो अपनी न्यू जनरेशन कार्स में अपना फ्रंट का लुक है ना अब लगभग सिमिलर कर रहा है, आपने हैरियर के अंदर देख लिया, सफारी के अंदर देख लिया, लगभग सिमिलर लुकिंग आपको डिज़ाइन मिल जाता है। और फॉग लैंप्स की बात करेंगे तो फॉग लैंप भी वहीं इंटीग्रेट किए गए, एक तरह से हेड लैंप्स को उसी तरीके से प्लेस किया गया कि दोनों काम आपकी हो जाए। तो ये रहा गाड़ी का फ्रंट का लुक, उसके साथ ही आप देखिए अलॉयज को, तो ये जो गाड़ी है ना अब साइड प्रोफाइल में देखने में जो इसका रियल फेस है वो आपके सामने रखती है, यानी कि जो कूपे इंस्पायर्ड डिज़ाइन, एक जो थोड़ा सा ना सेडान वाला लुक जिसमें काफ़ी लोग इसको नेक्सॉन और टिगोर का कॉम्बिनेशन कह रहे थे, मतलब वो तो लोगों की अपनी अपनी एक तरीके से फीडबैक है जो कि अच्छी बात भी है, वो है भी हल्का सा। देखिए यहाँ पर आपको गुडियर के टायर देखने को मिलेंगे जिसमें देखिए आप टायर का साइज़ देख रहे हैं 215 और रेडियल 18 का आपको टायर मिलेगा, यानी कि 18 इंच के रिम के साथ ये गाड़ी अभी दिखाई गई है। अब बेस मॉडल में अगर इसके 17 इंच का रिम आ जाता है तो बहुत ही सही एक तरीके से मैं कहूँगा ऑप्शन दिए गए हैं, अगर 16 इंच का टायर आया तो ये गाड़ी फिर छोटी दिखेगी टायर के मामले में उस हिसाब से जिस हिसाब से इसकी ज्योमेट्री को रखा गया है। तो देखिए बाहर से आपने सब कुछ देख लिया, ये कुछ जो एलिमेंट्स है वो आप देखिए गन मेटल फिनिश में रखे गए, थोड़े से स्क्रैचेस यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं क्योंकि काफ़ी बार इसको साफ़ किया जा रहा है, लेकिन फिर भी गाड़ी का जो पेंट है अच्छा लग रहा है मुझे। बॉडी में जो सारे कट्स है, क्रेजेस हैं वो आप नोटिस करेंगे। अब आइए गाड़ी के साइड की प्रोफाइल में और यहाँ पर दर्शन करिए कुछ नए जमाने के डिज़ाइन जो टाटा अपनी आने वाली गाड़ियों में लाएंगे। इंडिया में नॉर्मली आप देखते हैं बॉक्सी लुक लोगों को पसंद आता है, पंच में आप देखो, नेक्सॉन के अंदर देखो, लेकिन ये थोड़ी सी ना देख रहे हैं आप कुछ अलग, मतलब ऐसा कहाँ देखा था आज तक इंडिया में, तो वो रहेगा। उसके साथ ही डोर हैंडल देखो जो XUV 700 में आपको देखने को मिलते हैं, तो वही चीज़ जो फ्लश डोर हैंडल है और मुझे उम्मीद है कि जो महिंद्रा ने कमी छोड़ी कि भाई कुछ फंक्शन फ्लश डोर हैंडल में होने चाहिए थे, ऑटोमेटिकली रिट्रैक्ट हो जाते, वो फंक्शन इसमें होंगे तो भाई ये और ज़्यादा सक्सेस हो जाएगी इंडिया के हिसाब से। बाकी देखो फ्रंट का जो अपना व्हील गैप है कितना है बॉडी से और पीछे देखिए कितना ज़्यादा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ऑफ रोडिंग करने के लिए यही गाड़ी बन गई है, तो लग भी रहा है ठीक है। पीछे देखेंगे डिस्क ब्रेक आपको देखने को मिलेंगे, उसके साथ ही सारी जो क्लैडिंग है ना, काफ़ी लोग इस शंका में भी है कि ये जो सारी क्लैडिंग पियानो ब्लैक में है क्या टाटा उसको दे भी पाएगी या फिर वही जो मैट ब्लैक प्लास्टिक है वो लगा देगी, तो मुझे लग रहा है कि प्री प्रोडक्शन है तो यहाँ पर ये चीज़ आने वाली है आपके लिए। कोई भी देखिए इसमें ना रूफ रेल नहीं है, तो रूफ रेल वाली चीज़ इसमें नहीं, लेकिन बड़ी पैनोरामिक सनरूफ वो है इस गाड़ी की खासियत और वो आपको मिल रही है। ओआवीएम आपको हैरियर इंस्पायर्ड, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर विंडशील्ड में जो वाइपर है नेक्सॉन से उठाया गया है और ये है भाई पूरा विंडशील्ड का सारा डिपार्टमेंट। गाड़ी दिखने में बहुत सही है, दिखने में यूनिक है, आपसे कहेंगे कि कितना पैसा इसके लिए दे दोगे आप कमेंट करके बताइए। मुझे लग रहा है कि ये गाड़ी 11 लाख रुपए एक शोरूम से लेके 10.5 लाख रुपए एक शोरूम बेस मॉडल आपको दिखाएगी, क्योंकि नेक्सॉन का प्लेटफॉर्म है तो टाटा को ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा ये प्लेटफॉर्म, और इस प्लेटफॉर्म में X1 प्लेटफॉर्म में बहुत लंबे समय से नेक्सॉन बिक रही है और अच्छा खासा जो अपना प्रॉफिट मार्जिन है वो बचा चुके होंगे। पीछे देखिए कर्व की आपको बैजिंग मिलेगी, पीछे आप देखेंगे कैमरा देखेंगे टाटा का छोटा सा लोगो, और ये जो नई चीज़ आजकल गाड़ियों में कॉमन हो रही है पीछे कनेक्टेड टेल लैंप्स वो दिख रहे हैं। अब अंदर आ गए हो तो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे इसके सारे इंटीरियर्स जो कि कुछ इस प्रकार दिखने वाले हैं। आपको एक इस प्रकार की डिस्प्ले मिलेगी जो कि 12 इंच के आसपास है, आपने पंच के अंदर देख लिया, नेक्सॉन में देख रहे हैं, हैरियर में देख रहे हैं, इस प्रकार डिस्प्ले है। आपको देखिए सीट्स आपको कुछ इस प्रकार मिलेगी, हाइट एडजस्टेबल आपको सीट बेल्ट के एंकर पॉइंट मिलेंगे, कुछ IRVM के सारे डिपार्टमेंट्स हैं और यहीं से देखें तो कुछ और चीज़ें आप यहाँ देखने वाले हैं।
गाड़ी बनाई बहुत सही गई है। उसके अलावा प्राइसिंग में मैंने आपको बताया करीब 10.5 लाख रुपए एक शोरूम से ये गाड़ी को शुरू हो जाना चाहिए। 11 लाख भी जा सकती है, क्योंकि जो पेट्रोल रहेगा वो नेक्सॉन वाला पेट्रोल नहीं रहेगा, वो एक तरीके से GDI यूनिट नहीं है, अभी भी MPI यूनिट है, लेकिन टर्बोचार्ज है। यहाँ पर आपको उसी यूनिट को GDI करके दिया गया है, जहाँ पर आपको टाटा का नया 1.2 पेट्रोल इंजन ऑफर करेगा, 125 हॉर्स पावर और 225 Nm का टॉर्क, जिसमें आपको 7 स्पीड DCT का भी ऑप्शन दिया जाएगा। ये देखिए पियानो ब्लैक के ये सारे ऑप्शन, मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी की अंडर बॉडी, कुछ इस प्रकार आपको गाड़ी की अंडर बॉडी देखने को मिलेगी, जो कि इस तरीके से दिखने वाली है। पीछे आपको जो सस्पेंशन है नॉर्मल दिखाए गए, डीजल इंजन है अच्छा खासा, जो यहाँ पर एक आपको साइलेंसर पॉइंट है वो देखने को मिलेगा, और पीछे का जो सारा यहाँ पर आपको ट्रंक क्लियरेंस का डिपार्टमेंट है, अभी रिवील नहीं हुआ है, लेकिन भाई ये 200 से ज़्यादा भी हो सकता है, 220 भी हो सकता है, जिस हिसाब से आपके नेक्सॉन में ऑलरेडी 205 mm से ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस दिखाया जाता है। अब देखिए इस तरफ से इसकी जो अपनी डिज़ाइन फिलॉसफी है, जो कि इस प्रकार दिखेगी गाड़ी, ना कितनी ज़्यादा यूनिक दिख रही है आप देखो, ना कोई रूफ रेल आए इसमें, क्योंकि वो चीज़ है ही नहीं इसमें, सेडान वाला लुक है, कूपे इंस्पायर्ड लुक है। बाकी पीछे अगर आप स्पॉइलर देखें तो कुछ इस प्रकार से स्पॉइलर है, और पीछे का जो सारा आपको ये जो क्लैडिंग वाला पार्ट है ना, वो स्पेशल बना रहा है। और उसके अलावा यहाँ पर आप देखो जो डोर हैंडल है, उसमें देख रहे हो कुछ नई चीज़, ये मतलब रिक्वेस्ट जो आपका बटन है उसको प्लेस करने की पोजीशन रखी गई है, जो कि थोड़ी सी ज़्यादा आगे की ओर हो गई, हल्का सा अगर पीछे को रहता तो और ज़्यादा इजी टू ऑपरेट रहता, लेकिन फिर भी ठीक है। बाकी देखो इस तरफ से आपको दिखाते हैं इसके इंटीरियर्स, किस प्रकार के सारे इंटीरियर्स रखे गए, तो यहाँ पर आप फुल जूम में देख रहे हैं इसके इंटीरियर्स को, वही सेम जाना पहचाना जो नेक्सॉन के अंदर इंटीरियर आया है, हैरियर के अंदर इंटीरियर आया है, वही हल्की सी कहानी, लेकिन वही भाई कर्व है तो थोड़ी ऊंची गाड़ी है, थोड़ी बड़ी गाड़ी है। बाकी देखिए प्लेटफॉर्म सिमिलर है, आगे से देखो गाड़ी वो कुछ है, वाइड एंगल छोड़ के अगर आप नॉर्मल व्यू में आते हो तो देखो, नॉर्मल में देखोगे ना स्लोप लेती है गाड़ी, ज़्यादा हाइट नहीं है रूफ़ की, लेकिन फिर भी मुझे जो ए पिलर है ना वही पकड़ में आ रहा है, तो देखते क्या कुछ है किस प्रकार है। बाकी कलर थीम के तौर पर यहाँ पर इन्हें ऑरेंज शेड दिखाई है, जो कि थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, और जो थोड़े से एक तरीके से जो अलॉयज के डिज़ाइन है वो भी आप देखेंगे किससे मिलते जुलते लग रहे हैं। तो ये तो सब बातें रही मजाक की, लेकिन जो पियानो ब्लैक और जो पेंट का कॉम्बिनेशन है बहुत ही सही सा लग रहा है। प्राइसिंग मैंने आइडिया लगाया कि 10.5 से लेकर 11 लाख रुपए एक शोरूम शुरू होना चाहिए, डीजल में गाड़ी आपको 14 लाख रुपए डिमांड करने वाली, क्योंकि अभी भी आप देखते हो कि जो आपकी नेक्सॉन है भाई वो आपको बेस मॉडल में डीजल दे ही नहीं रही है, उसके लिए भी आपको 13-14 लाख रुपए खर्च करना पड़ रहा है, जो कि पहले मिल जाता था। तो क्या पता वहाँ पर नेक्सॉन में बेस मॉडल में डीजल ना देने का यही रीज़न है कि इस गाड़ी के लिए जगह बनाई गई हो, जिससे लोग इसको परचेस करें। और साथ ही अगर आप पैनोरामिक सनरूफ देखें तो ये है इसकी पैनोरामिक सनरूफ, जो कि आपको एक हैरियर के साइज़ का एरिया यहाँ पर देने वाली है, और इस प्रकार आप देखने वाले हैं इसके आपको बॉनेट सेक्शन को। तो भैया प्राइसिंग समझ लिया अपने, गाड़ी का लुक्स देख लिया, उसके अलावा चलिए आगे भी देख लेते हैं क्या कमी अंडर बॉडी कवरिंग की है या नहीं की है। अंडर बॉडी कवरिंग का मामला आपको यहाँ से आइडिया लगेगा, अच्छी कवरिंग की गई है। अब ये जो सिल्वर एलिमेंट लगा है ना, मुझे लग रहा है कि ये प्रोडक्शन मॉडल में ब्लैक प्लास्टिक से या किसी और एलिमेंट से बदल दिया जाएगा, क्योंकि ये प्री प्रोडक्शन है अभी। और सस्पेंशन और वो सारी चीज़ें देखेंगे, बहुत ही साफ़ सुथरी रखी गई है, सिर्फ जो एग्जॉस्ट का वहाँ पर एक आपको मेम्बर दिख रहा है ना, वो चीज़ आप देखेंगे कि आपको बीच में दिख पा रहा है। टॉप एंड मॉडल अगर आप देखें तो 20 लाख को तो इजीली ये क्रॉस कर जाएगी। अब क्या ये गाड़ी कॉम्पीट कर पाएगी क्रेटा सेल्टोस और उन सब गाड़ियों से, जहाँ पर वो भी 11 लाख रुपए एक शोरूम में आपको अपने नॉर्मल 1.5 पेट्रोल इंजन ऑफर कर रहे हैं। हाँ, ये गाड़ी 1.2 टर्बो पेट्रोल के साथ आ रही है, लेकिन मेन कंडीशन वही है कि जो फ्यूल इकोनॉमी है, अगर हम इंडियंस के हिसाब से रही, जहाँ पर हमें अच्छी खासी रिस्पेक्टेबल वैल्यू चाहिए फ्यूल इकोनॉमी में, अगर वो मिल पा रही है तो ये गाड़ी बिल्कुल सक्सेस होगी, कोई दो राय नहीं है। सेफ्टी में सबसे बेस्ट है, ड्राइविंग डायनेमिक्स में काफ़ी स्टेबल फील होगी, और जो इसका डिज़ाइन सेंस है ना, स्पोर्टी लुक और मॉडर्न लुक इसको दे ही रहा है। लेकिन फिर वही बात है कि लॉन्ग रन तक देखते हैं कैसा मार्केट का रिस्पॉन्स रहता है, उसके अलावा इंजन और वो सारी चीज़ें आगे आगे वीडियोज़ में आपको बताता हूँ। सिंपल नोट में कहा जाए तो एक 1.2 TGDI पेट्रोल इंजन है, 1200cc का पेट्रोल इंजन, सेम नेक्सॉन वाला, लेकिन उसको GDI बनाया जाएगा, गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन। अभी तक पेट्रोल का इंजेक्शन पोर्ट्स में किया जा रहा था, जो मैनिफोल्ड है, अब किया जाएगा सीधे सिलेंडर के अंदर, जिससे जो एक तरीके से ज़्यादा पावर निकले, 125 हॉर्स पावर बन के निकले, 225 Nm का टॉर्क निकले, और जो डीजल है जो नेक्सॉन में 1.5 CRDI डीजल इंजन मिलता है, जो कि बना देगा 113 हॉर्स पावर सेम एट इस नेक्सॉन, और 260 Nm का टॉर्क सेम नेक्सॉन वाला, जहाँ पर डीजल में आपको कोई भी चिंता नहीं करनी माइलेज की, 2018 KMPL के आसपास का माइलेज मिलता है। हाँ, लेकिन पेट्रोल के साथ देखते हैं क्या कहानी है। बाकी वैसे पेट्रोल में भी आपको कोई माइलेज की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि
जब इसका ऑटो एक्सपो में इंजन दिखाया गया था 1.2 TGDI वाला, उसमें भाई पूरा पूरा क्लियर किया गया था कि जो नया इंजन बन रहा है वो फ्यूल इकोनॉमी को देख के भी बनाया जा रहा है, उसमें एंटी फ्रिक्शन टेक्नोलॉजी है, जो उसका कंप्रेशन है उसी के अकॉर्डिंग रखा गया है, और जो टर्बोचार्जर है उसको उसी के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि ज़्यादा फ्यूल इकोनॉमी और निकाल सके। अब लेकिन हम तो यही मानते ही नहीं कि ज़्यादा पावर बन रही है, ज़्यादा टॉर्क बन रहा है तो फ्यूल भी ज़्यादा ही लेगा, तो वो टाटा को हमारे से क्लियर करना है और हमें करके दिखाना है कि भाई हमने ऐसी गाड़ी बनाई है जो एक ऑलराउंडर है। तभी तो आप कहेंगे ना कि किंग ऑफ सेगमेंट इज़ अराइव्ड। तो ये रहा भाई द ऑल न्यू टाटा कर्व। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कैसी लगी आपको एक गाड़ी, क्या कुछ कमी इसमें रही, क्या कुछ शानदार आपको उसमें लगा, क्योंकि ऐसे ऐसे एलिमेंट है ना जो किसी को कहीं पसंद आ रहा है, किसी को कहीं पसंद आ रहा है, किसी को फ्रंट का लुक पसंद आ रहा है, किसी को टेल लैंप्स पसंद आ रहे हैं, और कहीं पर आपको जो स्पॉइलर है पीछे का ये सारा लुक है ये पसंद आएगा। अब ये तो भाई ये रहा इसका पूरा रियर का लुक, देखिए सब कह रहे कि BMW की तरह दिखने वाली गाड़ी आ गई, कुछ कह रहे कि लंबोर्गिनी उरस की तरह दिखने वाली गाड़ी आ गई, लेकिन ये हमारी देसी टाटा भाई कर्व बना के सामने आई है। और बहुत खुश होने वाली बात है कि अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इतने ज़्यादा शानदार लेवल में चली गई है। अब इन जैसी गाड़ी अगर इंडिया में आ जाए ना तो इससे सिर्फ आपको क्रेटा सेल्टोस को कॉम्पिटिशन नहीं मिलेगा, जो आपकी होंडा सिटी है, वरना है, स्लाविया है, वर्टूज है, वो सारी गाड़ियाँ फिर इससे कॉम्पीट करने आ जाएगी। तो वो फिर इनके लिए एक अच्छी चांस है कि ज़्यादा बड़ी मार्केट प्लेस इन्हें मिले और ज़्यादा कस्टमर इनके बीच में आए। उसके अलावा आप पूरा जो पवेलियन देखिए एक नज़र में तो बहुत सारी गाड़ियाँ दिखा दी। सफारी में रेड एंड डार्क का ऑप्शन है, वहाँ पर देखिए नेक्सॉन में CNG का ऑप्शन है, वहाँ पर देखिए अल्ट्रॉज में रेसर का ऑप्शन है, और थोड़ा दूर चल के देखें तो पंच है आपकी, बीच में नेक्सॉन EV डार्क है, और वहाँ पर आपको टाटा हैरियर .EV है। तो फिर देखिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बताइएगा ये गाड़ी कैसी लगी आपको, इस गाड़ी को आपको रैंक करके जाना है। टाटा ने बहुत मेहनत करी इस गाड़ी के ऊपर। प्लेटफॉर्म अगेन क्लियर करता हूँ, नेक्सॉन वाला ही है लेकिन अपडेट किया गया X1 प्लेटफॉर्म है। इसकी जो एक तरीके से लॉन्चिंग की बातचीत है ना, लॉन्चिंग मुझे लग रहा है कि अक्टूबर 2024 में हो जाएगी, क्योंकि दो ही गाड़ियाँ यहाँ पर टाटा को देखनी है, या तो हैरियर में टर्बो पेट्रोल आ जाएगा या फिर कर्व आ जाएगी। अब इन दोनों में से कौन से लाएंगे भाई ये मुझे भी नहीं पता है, लेकिन अक्टूबर 2024 एक ऐसी डेट है जहाँ पर कुछ ना कुछ टाटा की तरफ से आने वाला है। बाकी उसके अलावा प्राइसिंग की बात की जाए तो 10.5 लाख रुपये एक शोरूम के आसपास माना जा रहा है, 11 लाख, 10.5 लाख, 10.89 ऐसी वैल्यू रहेगी, क्योंकि 10.99 तो आपके क्रेटा की वैल्यू भी है। तो देखते हैं फिर क्या कुछ कर्व अपने साथ ला के देती है। और प्लेटफॉर्म अगेन आपको क्लियर करता हूँ, सेम नेक्सॉन लेकिन अपडेट हो गए, जो कि X1 प्लेटफॉर्म है वो आपको ऑफर किया जा रहा है। अब नेक्सॉन के पास आप चलो, कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी आप देख लो, कोई कमी नहीं है। सिर्फ जो लोग मांगते हैं कि टाटा कुछ लाए लाए लाते रहे तो वो लाते रहेगी, और टाटा जो अपनी लेगेसी बनाने को जा रही है कि एज अ किंग ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरर्स में भी, और जो ग्लोबली भी कॉम्पीट कर रही है हुंडई और किया के साथ, तो वो ठीक है। तो भाई देखो नेक्सॉन और इसमें कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी आपको दिख जाएगी, क्योंकि आप साइड से देखिए, इस साइड देखो तो ये है, तो ये जो सारा ए पिलर का सेक्शन है ना जो अंदर की तरफ आप देख रहे हैं वो एज इट इज़ भाई यहाँ भी है। तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बताना कैसी लग रही है आपको टाटा कर्व। तो अब आप कमेंट में ये मत कहना कि ये नेक्सॉन का प्रो मैक्स अवतार आ गया है, ये एक नया ही प्रोडक्ट है, लेकिन फिर भी कुछ तो सिमिलैरिटीज़ है जो कि होनी भी चाहिए, जहाँ पर रिलायबिलिटी और वो जो छोटे छोटे निगल्स होते हैं ना कंपनी ज़्यादा इजीली निकाल पाती है। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हुए ऐसे और नहीं उसके साथ 10.5 लाख रुपये एक शोरूम इसकी कीमत रहे तो कितना आपको खुशी होगी, वीडियो को लाइक करके बताना और एक तरीके से कमेंट भी करना। मिलते हुए ऐसे और नहीं उसके साथ, अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।